बालकृष्ण वशिष्ठ जी, प्रतीक चेकचंद शर्मा, एडवोकेट चंद्रभूषण जी, एडवोकेट रवि जी और देव वशिष्ठ जी, आप सभी की तरफ से मैं आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ बुलाई है, ये परसों हमारे विप्र फाउंडेशन फरीदाबाद की तरफ से विप्र सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप वशिष्ठ जी और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो विप्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय बड़े भाई जितेंद्र भारद्वाज जी आ रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे फरीदाबाद से समाज के सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें बुलाया है और आपको भी मैं बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूं कि आप भी उस दिन वहां आए और आशीर्वाद दें। विप्र फाउंडेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं कि विप्र फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय एकता, वसुधैव कुटुंबकम और समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए विप्र फाउंडेशन सदैव अग्रसर रहती है। विप्र फाउंडेशन आज बहुत सारे काम अलग अलग राज्यों में कर रही है। राजस्थान में रिवासा में विप्र फाउंडेशन के द्वारा एक गुरुकुल चलाया जा रहा है जिसमें 60 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वहीं शगुन प्रकल्प के नाम से लगभग 121 गरीब कन्याओं के विवाह का सहयोग उन्होंने किया है। विप्र की तरफ से हेल्थ कार्ड तक जो लगभग 10,000 परिवार इसको दे चुके हैं वो लाभान्वित है इससे। और हर एक राज्य में विप्र फाउंडेशन बहुत एक्टिवली काम कर रही है। विस्तार से आदरणीय जो विप्र के हमारे फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं संजय वशिष्ठ जी बताएंगे, पर विप्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज कल्याण, समाज उत्थान के लिए, राष्ट्र एकता के लिए ये मुख्य कार्य करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो जिले के प्रधान हैं आदरणीय संजय वशिष्ठ जी वो मीडिया से रूबरू हों। आदरणीय संजय जी, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों को जय, मैं इस संस्था से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था ये जो है कि जो हमारे संस्थापक हैं इसमें सुशील ओझा जी, 15 साल पहले उन्होंने इस संस्था को जो है स्टार्ट किया था और आज ये संस्था इतना विकराल रूप ले चुकी है कि ऑल इंडिया के अंदर इसकी संस्थाएं बनी हुई हैं। हमारी ये संस्था ब्राह्मणों के लिए, खासकर ब्राह्मणों के लिए जो ये जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे जो है गरीब बच्चे, ब्राह्मणों के गरीब बच्चे हुए, बेटियां हुई, सभी के लिए संस्था ने हर तरह से मदद के लिए, जैसे बेटियों के लिए विवाह के लिए 21,000 रुपये, कोई भी गरीब बेटी हो जाओ, ब्राह्मण भी नहीं बेटी के लिए तो कोई भी हो, इसमें गरीब भी हो, सभी के लिए 21,000 रुपये का योगदान देते हैं। और जो भी विप्र ब्राह्मण जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको हमारा एजुकेशन के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन विदाउट इंटरेस्ट के लिए, जब बच्चा पढ़ लिख के कंप्लीट हो जाता है उस राशि को वो अपने किस्तों में वापसी कर देता है ताकि उसी पैसे को हम आगे फिर किसी को दे सकें। ये हमारी संस्था है। इसमें मेडिकल कॉलेज जैसे जयपुर में के अंदर बना रहे हैं अभी, वहाँ भी संस्था चल रही है हमारी जयपुर के अंदर भी। और इसमें जो है अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम ब्राह्मण लोग राजनीति से थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं ब्राह्मण तो हरियाणा के अंदर नाके बराबर है। हमने अपनी जो डिमांड रखी है कि जो हमारे भाई साहब जितेंद्र भारद्वाज जी होंगे उनको हम यही अवगत कराएंगे कि ये हमें जो है फरीदाबाद से 15% में हमको गिरा जाता है, तो हमें 15% के हिसाब से हमें विधायकों की टिकट चाहिए ब्राह्मणों के लिए, ये हमारी डिमांड होगी। कोई सी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और भी कोई पार्टी हो, हमें ब्राह्मणों के लिए हर पार्टी से 15% होना चाहिए ब्राह्मणों के लिए विधानसभा सीट के लिए।
मेन इसीलिए यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस करा रहे ये आप किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। ये संस्था केवल ब्राह्मणों को करती है किसी और को भी करती है? नहीं जी, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, ओनली ब्राह्मण के लिए ये संस्था। संस्कृत का वर्ड है ब्राह्मण हमारा, और ये संस्था सिर्फ ब्राह्मणों के ही लिए काम करती है। कैसी भी परेशानी कहीं भी किसी को भी आ जाए, किसी स्टेट के अंदर आप एक दूसरे किसी भी अध्यक्ष को किसी को भी फोन मारो, तुरंत वहाँ बैठा मिलेगा आपको। हाँ जी, पूरे देश में कितनी सर अपने का काम कर रहे हैं संस्था? हाँ जी, पूरे देश में कितनी शाखाएं हैं आपकी? शाखाएं तो हर स्टेट के अंदर हैं, जैसे इतना तो नहीं मैं आपको बता सकता गिनती के आप, बाकी ऑल इन इंडिया के अंदर इसकी संस्थाएं चल रही हैं। कहीं भी जाओ, क्यों नहीं जाओ। प्रधान जी, जो ये कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ फरीदाबाद में किया जा रहा है, क्योंकि आपने टिकट का दावा किया है कि कोई पार्टी हो टिकट दे ब्राह्मणों को, तो ऐसे में सिर्फ फरीदाबाद में ये कार्यक्रम होगा या कहीं अन्य भी? नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, अलग अलग समय पर स्टेट में, पूरे हरियाणा के अंदर हमारी संस्था जो काम कर रही है। इसकी शुरुआत फरीदाबाद से की जा रही है? नहीं, इसकी शुरुआत हमने फर्स्ट गुड़गांव से करी, गुड़गांव से शुरू कराया, गुड़गांव से अभी पीछे से होटल किया है और अब यहाँ फरीदाबाद में है। उससे पहले पंचकुला हुआ था हमारा हर स्टेट में, जैसे जैसे सभी 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 90 विधानसभाओं में करेंगे आप? सभी विधानसभाओं में अब तक कितने कार्यक्रम आप कर चुके हैं? नहीं, फरीदाबाद के अंदर जैसे हम सिर्फ यहाँ करेंगे लोकसभा में। अब तक कितने कार्यक्रम आप कर चुके हैं? अब तक हम काल कर चुके हैं कम से कम, ये प्रोग्राम हमारा पहला है फरीदाबाद के अंदर, पूरे जिले प्रदेश के अंदर की बात कर रहा हूँ। इसमें कम से कम हमारा छठा छठा प्रोग्राम, तो सरकार तक बात पहुंचाने वाले की पार्टियों तक बात पहुंचाने का आपका मुख्य उद्देश्य है? इसका यही है। फरीदाबाद फिर भी पार्टियां नहीं सुनती है तो? नहीं सुनती है तो हम ब्राह्मण एक होके अपना अलग से वो कर लेंगे, कोई और पार्टी बनाएंगे। पार्टी तो हमारी बनी पड़ी है, ब्राह्मण इससे बताओ चाहते हैं उससे चुनाव लड़ाएंगे, आजाद खड़े हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं नहीं टिकट देंगे वशिष्ठ साहब। अगर सपोज कर लो कांग्रेस को घीस जी को टिकट मिल जाती है, बीजेपी से मूलचंद शर्मा को मिल जाती है, तो कैसे करेंगे इस स्थिति में आप? वो भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, जो पलटा भारी दिखे वो उसकी सपोर्ट करेंगे। तो अभी भी बहुत ब्राह्मणों को टिकट मिली हुई है, उसके बावजूद भी आप ये दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण को? बाकी ऐसा होगा नहीं कि दो ब्राह्मण हमारा मित्र जो ये वो होता है, क्योंकि दो ब्राह्मणों को आपस में नहीं लड़ने देंगे। नहीं तो टिकट इस तो गिरीश जी को नहीं मिलने देंगे आप? नहीं मूलचंद कटवाओगे आप? दो ब्राह्मणों को टिकट देगी, लेकिन उसमें अपना कहीं ना कहीं अपना एक ब्राह्मण को बैठा देंगे आप? बैठाएंगे नहीं, उसको कहीं दूसरी जगह से लड़ाएंगे, सामने नहीं लड़ेंगे। बल्लभगढ़ विधानसभा पिछली बार भी दो ब्राह्मण दे दिया हमने, अजीत कौशिक और मूलचंद शर्मा। पिछली दफा हमारा इतना वो नहीं था इधर, बाकी अब हम उस पर जो करेंगे फरीदाबाद की बहुत सी विधानसभा सीट मांग मांग ब्राह्मण की जाए। फरीदाबाद की विधानसभा सीट जैसे सबसे पहले तो बल्लभगढ़ ही हो गई, उसके बाद अपना ये लगा लो कसला की ओल्ड की भी उसमें आ जाती है, और तिगाम में ब्राह्मण की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ तो ब्राह्मणों की गिनती में नहीं ला रहे वो लोग, बाकी नहीं तो सेकंड नंबर ब्राह्मण ही है तिगाम के, और वहाँ भी हम फाइट करेंगे तो तिगाम में भी हमें ब्राह्मण दो कोई ना कोई। बाकी आपने और लोगों को बहुत जिता दी, और बात ब्राह्मणों को मिल दो वहाँ से। बल्लभगढ़ में तो पहले ब्राह्मणों को टिकट दे रखी है। हाँ जी, फिर भी बल्लभगढ़ के लिए दावा कर रहे हैं ब्राह्मणों की जान संख्या होती तो नहीं भाई, सीट मान लो हमारे यहाँ की 15% में जितना हमारा हिस्सा आता है वो हिस्सा हमें दे दो यार। ब्राह्मणों की हो गई आपके वो ब्राह्मणों की सीटों पर भ्रमण करने के मूड में है क्या?
हम तभी तो हमें तीन देंगे वो।